हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस तरह का एक खूबसूरत लेडीज़ के लिए शॉपिंग बैग या हैंड बैग की तरह भी इसे यूज कर सकते हैं वो मैं बनाने जा रही हूँ, जो बहुत ही स्पेसियस है। इसे मैं ओपन करके दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं इसमें बहुत स्पेस है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक जैकार्ड का फैब्रिक, उसके बाद फॉर्म सीट और उसके बाद लाइनिंग को मैंने स्टिच कर लिया है, आप देख सकते हैं। लाइनिंग, फॉर्म सीट और मेन फैब्रिक मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। देखिए इसकी लेंथ 15 हो रही है, 15 मींस 30। इसको मैं ओपन करके अगर मापूंगी तो 30 इंचेस इसकी लंबाई है। और इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं 21 एंड हाफ इंच। तो मैं इसे फोल्ड करती हूँ बराबर भागों में इक्वल करने के लिए। मैं ये वाला पिन यूज करूँगी इक्वल करने के लिए। अब हमें क्या करना है, इधर से 3 इंचेस इधर से हमें मार्क कर लेने हैं और 3 इंच इधर से इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। और हमको इसे फिर कट कर देना है। देखिए मैंने इस एक वन साइडेड कट कर दिया है। अब दूसरे साइड को भी इस पीसेस को ऐसे रखेंगे और मार्क कर लेंगे और इसे भी इक्वल साइज में कट कर देंगे। देखिए मैंने दोनों साइडों को कट कर दिया है। अब हम ऊपर से 2.5 इंच का मार्क करेंगे दोनों साइड में। दोनों साइड मैंने 2.5 इंच का मार्क कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से शेप दे देंगे, इस तरह से दोनों साइड। दोनों इस तरह से शेप देते हुए हम इसे कट कर देंगे। देखिए मैंने दोनों साइड्स को कट कर दिया है। अब हम इसका एक सेंटर पॉइंट बना लेंगे। देखिए ये हमारा सेंटर पॉइंट है और एक कट लगा देंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से 3.5 इंच से इस साइड और 3.5 इंच इस साइड हमें लेना है। अप्रॉक्स 3 इंच नीचे और इस तरह से हम मार्क कर देंगे। यहाँ पे हम इसकी
हैंडल अटैच करेंगे यहाँ पे। देखिए हमारी बैग का ये सेफ बन गया है, ये हमारी बैग का सेफ है। अब हम यहाँ पे ये चैन है, इस चैन को यहाँ पे अटैच करेंगे। इस चैन को हमें यहाँ पे स्टिच करना है, यहाँ पे इस तरह से पकड़ के हमें स्टिच करना है। देखिए मैंने यहाँ पे चैन को स्टिच कर लिया है वन साइड, और मैंने इसमें दो रनर डाला है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो रनर डाला है। तो उसी तरह चलिए इधर भी चैन को इस ऐसे स्टिच करते हैं इधर भी। देखिए मैंने दोनों तरफ चैन को स्टिच कर दिया है, आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ चैन को स्टिच कर लिया है। अब हम मैंने जो यहाँ पे मार्क लगाया था यहाँ पे, ऐसा ही एक मार्क हम इधर भी लगा लेंगे। हैंडल लगाने के लिए ऐसा ही मार्क हम दोनों साइड लगा लेंगे। और इसका हैंडल बनाने के लिए हम एक कपड़ा लेते हैं, अब हम इस बैग का हैंडल बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई 4 इंच है और जिसकी लंबाई 24 इंचेस है। 4 इंच चौड़ाई इसकी चौड़ाई है और 24 इंच ये लंबी है। तो इसको हम इस तरह से स्टिच करेंगे, पहले वन फोल्ड इधर से, दूसरा फोल्ड इधर से, और फिर इस तरह से हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। हम यहाँ पे एक स्टिच लगाएंगे। देखिए इस तरह से, मैंने यहाँ पे दो स्ट्रिप्स बनाकर तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो हम इस बैग के यहाँ पे और यहाँ पे हमें इसे ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से इस तरह से हमें यहाँ पे स्टिच लगाना है। तो हम इस पिन की हेल्प से इसे सिक्योर कर लेंगे दोनों तरफ और इधर भी सिक्योर करके हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे और हैंडल को अटैच कर देंगे। देखिए आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ हैंडल को अटैच कर लिया है इस तरह से दोनों सिलाई लगा के दोनों तरफ हैंडल को अटैच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस बैग को हम पलट देंगे। पलटने के बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारी इधर से जो सिलाई थी, इधर मैंने जो कट लगाया था, हमें ऊपर से बराबर करते हुए यहाँ पे स्टिच कर लेना है, इस साइड और इस साइड दोनों साइड हमें यहाँ पे स्टिच कर लेना है। देखिए मैंने इस तरह से दोनों साइड में स्टिच कर लिए हैं, इस तरह से दोनों साइड में स्टिच कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, 1 इंच की पतली पट्टी लेनी है, 1 इंच की, और इस तरह से हमें ये सिलाई के ऊपर पाइपिंग कर देना है, जिससे ये रफ स्टिच पूरी कवर हो जाए। इस तरह से हमें पाइपिंग कर देना है दोनों साइड में। देखिए मैंने दोनों तरफ इस तरह से दोनों तरफ सिलाई लगा ली है, इस साइड भी और इस साइड भी। अब हमारा ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को भी इस तरह से पकड़ के हमें यहाँ पे इक्वल करके यहाँ पे सिलाई लगानी है, दो इस साइड और इधर भी दोनों तरफ सिलाई लगानी है।
इस तरह से पकड़ के हमें यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगानी है। देखिए मैंने यहाँ और यहाँ दोनों तरफ से स्टिच कर लिया है, और स्टिच करने के बाद मैंने 1 इंच के पट्टी के साथ इसको कवर भी कर दिया है। देखिए अब हमारी कोई भी रफ स्टिच नहीं दिख रही है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसको सीधे की ओर पलट देंगे। देखिए मैंने पलट दिया है। अब हमें क्या करना है, ऊपर से एक टॉप स्टिच यहाँ पे और ये चारों साइड में हमें टॉप स्टिच लगा देना है। यहाँ के ऊपर में एक टॉप स्टिच। देखिए मैंने यहाँ चारों साइड में टॉप स्टिच लगा दिया है, आप देख सकते हैं। और ये मेरा बैग, हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है। आप इसे शॉपिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं और कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैंडबैग की तरह भी यूज कर सकती हैं, क्योंकि ये बहुत स्पेसियस है। आप देख सकते हैं इसमें कितना सारा स्पेस है। इस तरह से आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।